सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा, SV न्यूज इंडिया, सच्चा वाक्य। हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा दिखाते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं, कुछ ना कुछ आज को गौशाला के ऊपर भी किया जाए कि धानसू के अंदर कुछ लोगों की मांग थी कि उसकी रख रखाव किस प्रकार से गायों का और क्या क्या वहाँ हो रहा है, तो वो भी आप दिखाएं। तो हमने कहा जी ज़रूर, हम आप तक जो है धानसू की पूरी व्यवस्था दिखाएंगे और जो है हमारे महाराज जी उनसे भी मिलाएंगे जो धानसू के रख रखाव कर रहे हैं और उन सभी सदस्यों से जो सेवा भाव से लगे हुए हैं उनसे भी मिलाएंगे। तो आज हम पहुंचे हैं धानसू गौशाला के अंदर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से क्या क्या व्यवस्था यहां पर मौजूद है, किस प्रकार से गायों का रख रखाव हो रहा है, क्या क्या उनको खाने के लिए दिया जा रहा है और क्या वहां पर व्यवस्था है, वो सारी हम आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है कुछ नौजवान यहाँ के जो सेवा भाव से काम करते हैं, उनसे भी चल करके बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका रख रखाव करने का है और किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? सुरेश कुमार जी। अच्छा, आप कितने समय से गौशाला में आ रहे हो? हम गुरु जी के आने से लगभग 5-6 दिन बाद में आए, जैसे 3 साल हो गए लगभग। जी जी। यहाँ सुबह 6 बजे आते हैं, सुबह को शाम को 7-7.5-8 बजे जाते हैं। जी जी। तो आप यहाँ से व्यवस्था में सहयोग करते हैं, सेवा करते हैं? हाँ जी, हम 10 जनों का ग्रुप है जी। हाँ। हम कोई डांगर कटा फटा हो, कहाँ से चक्के लाना हो वो चक्के लाते हैं जी। किसी का फोन आ जाता है तब व्यवस्था, डॉक्टर को बुलाते हैं, पट्टी करवाते हैं कटी फटी हुई गाय को, उनको सुविधा पानी पिलाना, दिन में हरा चारा गिरना, वो सब काम करते हैं। हाँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप एक किसान वर्ग से लग रहे हैं मुझे और खेती में आप अच्छी दिलचस्पी है, तो आप बताइए आप किस प्रकार से सेवा और सहयोग कर रहे हैं आज गौशाला में? सुबह 6 बजे आवा जी, हमने 6-7 बजे जावा जी। अच्छा, यहाँ पर बीच में टाइम मिला तो फिर बिल्कुल, और पूरा साथ और सहयोग गौशाला को दे रहे हो। क्या नाम आपका? रणधीर जी। रणधीर, हमारे साथ ही मौजूद थे दो बंदे जिन्होंने अभी बताया कि किस प्रकार से साथ और सहयोग देते हैं। इनकी पूरी टीम है 10 बंदों की जो काम करती है, साथ और सहयोग देती है, जैसे महाराज जी ने भी बताया। अभी हम आपको और व्यवस्था है वो भी दिखाएंगे किस प्रकार। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये नज़ारा गौशाला धानसू का है। हम खड़े हैं अभी धानसू गौशाला के अंदर और आप जिस प्रकार देख रहे हैं ये सारी गायें यहाँ एकत्रित हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है 1400 के करीब गायें यहाँ पर हैं। आप देख लीजिए चारों तरफ बाउंड्री वाल है, इनके लिए चारे की व्यवस्था भी है, यहाँ पर पशुओं के लिए जो है ठाण वगैरह भी बनाई हुई है। और कुछ कमज़ोरे हैं, उनके बारे में हम महाराज जी से बात भी की है, तो उनका कहना है कि जिनकी शोरठ, जिनका शरीर स्टार्टिंग से ऐसा है तो वो वैसे ही रह जाती हैं। बाकी इनका चारा कुछ लगता है, कुछ यहाँ पर अभी कमी है, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे महाराज जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण ये जो है ठाणी इनकी खाली क्यों है। अभी बाकी हम आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है, क्या बना हुआ है। महाराज जी ये जानना चाह रहे हैं इनकी चारे की जो ठाने हैं वो खाली है? अभी इनको चारा डाला है, अब शाम को डालेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा साफ ऐसे है कि लगता है कि कभी मतलब कुछ डला ही नहीं हो, इतने जैसे पोछा लग जाता है वैसे। खाते तो ऐसे ही हैं पशु, तो ऐसे ही खाएंगे। जी जी, मतलब कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि पशु है, पूरा पेट भर नहीं पा रहे हैं? नहीं, पेट पूरा भरता है जी, पेट पूरा भरता है। पशु को अभी डाल लिया, 2 घंटे हो गए तो ठान खाली मिलेगा। जी जी, 2 घंटे में ठान खाली मिलेगा। जी जी जी, अभी हम देखते हैं क्या क्या यहाँ व्यवस्था है। 2 मिनट मैं भी कवर करता हूँ। अभी यहाँ पर क्या क्या है, शेड वगैरह कैसे क्या बने हुए हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पर ये गाड़ी देख रहे हैं आप, 4 दीवारी है। ये एक शेड बना हुआ है जो पहले, बहुत पहले बना हुआ था, और ये शेड जो है तूड़ी के लिए गोदाम बनाया गया है। आप देख रहे हैं ये गोडाउन है तूड़ी के लिए जो अभी बनाया गया है, यहाँ पर तूड़ी की व्यवस्था है। इससे आगे हम बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या और व्यवस्थाएं यहाँ पर है, क्या सुचारू रूप से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, क्या कमी है। ये देखिए ये चारे की ठाण कह सकते हैं इसको, चारे की जगह जहाँ पे चारा डाला जाता है, यहाँ पर सफाई करके जो है अभी छोड़ा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये जो है इनके लिए चाट वगैरह जो डालते हैं, देखते हैं कैसी क्या चाट यहाँ डाली जा रही है। ये देखिए ये जो है इनके लिए, इससे पूछना चाहेंगे महाराज जी कैसी चाट है, क्या है इसमें? बोला है तेल है,
अच्छा दलिया है, गुड़ है, तेल है, खीर रोटी, खील है, रोटी है, जो नहीं खाते उनके लिए रोटी भी भिगो के रखते हैं। तो इतने सारे के लिए क्या इतना बहुत है जी? नहीं, ये कुछ पशु जो बीमार है वैसे हैं, जो बीमार है जो उनके लिए ये व्यवस्था है, दलिया भी ऊपर खील और रोटी भी है। कणक और खड़ के लिए, खड़ जैसे अभी लगता है कुछ कम है। हाँ, ये तो देखो जितनी हाँ। आती है कणक उधर भी है, कणक अपने उधर भी है जी। जी जी, ये छोटा, ये छोटे बच्चों के लिए है, जो छोटे बच्चे यहाँ होते हैं मौजूद आप देख रहे हैं। अब जैसे ये ठान है, जी जी, तुमने जितना गाय ने खाया तूड़ी छोड़ दी तो तूड़ी पड़ी हुई। जी जी, तो ये वो बाहर वाली जो गाय है वो यही चरती है। अब देखो इसमें तूड़ी पड़ी है। जी जी, इसमें तूड़ी भी चाटे हो तो तुरंत खा जाए डालते। हाँ हाँ, ये बात थोड़ा सा लग रही है कि ठीक कह रहे होंगे महाराज जी, क्योंकि वहाँ चारा की टाल बिल्कुल चारे की जो ठान थी वो खाली थी, यहाँ पर कुछ चारा रखा हुआ है कि वो लोग खा जाते हैं और जो नहीं खाते कुछ यहाँ भी पड़ा भी है। दो तीन तीन घंटे, देखो तीन घंटे में तो ठान खाली कर देंगे। जी जी, अब अंदर है जो सफाई करवाई है वह कड़क का वो है। अभी हम देखने जा रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर है। और जैसे ये है, ये जो बाड़े बने हुए हैं ये देखते हैं किस तरह की शेड क्या लगी हुई है। ये पानी की भी है लेकिन ये इनके, ये दूध वाली है गाय। अच्छा, ये दूध वाली गाय है। हाँ जी, हाँ यहाँ पर हम संतुष्ट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है सभी गायें की सेहत काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये दूध वाली गायें हैं, कितनी गायें हैं जी दूध वाली? ये तो 50-60 गाय, 50-60 गायें हैं। अच्छा, 50 से भी अभी थोड़ा कम ही नज़र आ रही है। जी जी, ये बगैर दूध वाली है। अच्छा, ये बगैर दूध वाली है। इनके भी ठान में चारा ये अभी पहले वहाँ डाल के बाद में यहाँ डाला है, तो ये वो तो पहले खाएंगी चारा। जी जी, तो अगर उसमें डालेंगे तो पहले वो खा जाएंगे, तो घंटे में खा जाएंगे। खोलना इसको, खोल दे। हम देखते हैं सबको बराबर मिले। जी जी, ये नहीं कि भी किसको अलग मिला है किसी को। हाँ जी हाँ जी, आप शाम को आते तो चारा बार वाड़ियों को मिलता है सारा। तो ये सफाई की व्यवस्था किस प्रकार? घोड़ी निकाल देते हैं। अच्छा, हाँ अभी चल रही है गाय, इसका मतलब यहाँ भी जो है ये हिसार वाली है। अच्छा, जो हिसार से उधर आई है, शहर से आई है। कुछ उसमें कुछ इसमें। जी जी, कुछ बैठी है, देखो ये डैमेज हो रही है, देखो पन्नी निकले इनके मुंह में तो निकले। कहाँ पे कोई? अच्छा, ये देखो ये बैठी गाय, ये डैमेज है। अच्छा, ये डैमेज हो चुकी है। ये डैमेज है। जी जी, ये इसे चला नहीं जाएगा नहीं, इससे इसको चाहे कुछ भी खिलाएंगे। अच्छा, ये वो पोलोथीन है जो हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर शहरों में वस्तुएं खरीदने के लिए, और ये गाय के मुंह में जाता है और ये गाय के मुंह से निकला है। मुंह से निकलता है, मुंह से निकला है। और ये भी एक गाय का बच्चा है जो डैमेज है। ये पानी की व्यवस्था है, इनके मुंह से अब तो पल्ली निकलनी कम होगी लेकिन बहुत पल्ली निकला करेगी। कुछ एक यहाँ भी बैठी हैं इस बारे में। ये डैमेज है, ये पन्नी खाई हुई गाय। तो ये पन्नी खाई हुई गाय, इसका कोई इलाज नहीं होता महाराज? इसका ऑपरेशन, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन, ऑपरेशन से इसका पेट वो भी बचे ना बचे। अच्छा, ऑपरेशन होएगा उसका। जी, आप देख रहे हैं जो पोलोथीन हम सामान लाने के लिए यूज़ करते हैं वो पोलोथीन गौ माता के पेट में जाता है और किस प्रकार से ये डैमेज हो जाती है आप देख रहे हैं, बिल्कुल सामने आपके आंखों के आगे है। ये तो संदीप की बच की गाय। जी जी, ये यहाँ पे कुछ रोटी डाल दे, कुछ चारा डाल दे, कोई हरा चारा डाल दे, लेकिन ये पन्नी वाली गाय बच नहीं सकती। जी जी, तो इसमें कितनी परसेंट बची है, कितने परसेंट जो है? इसमें मतलब कोई तकरीबन बची गई, कोई 5-10 गाय चली गई तो चली गई। जी जी, कुछ डैमेज है बैठ की 5-10 गाय, बाकी नहीं ठीक है तकरीबन सारे। जी जी, तो अगर ये पशुपालक इनसे अगर आपसे ले जाना चाहे अभी ये क्या व्यवस्था? अभी छोड़ना बंद कर दिया, अभी ये ठीक है गाय सारे। अच्छा, अब बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने, तो वहीं ले जाके छोड़नी है फिर। जी जी, उन्होंने वही पन्नी खिलानी है। अगर कोई अपने घर पे ले जाना चाहे तो उसके लिए उसका दे सकते हैं। जी जी, उसका फोटो वो लिख के, फोन नंबर वगैरह उसका पूरा लिख के, उसकी रसीद काट के उसको घर के लिए दे सकते हैं।
लगता है ये भी गाय उसी प्रकार से बैठी है, उसी इशार वाली गाय, इशार वाली गाय उसी तरह से बैठी है जो पोलोथीन वगैरह खाती है। हाँ जी, ना ये उड़ जाएगी। अच्छा, ये उड़ जाएगी, बिल्कुल डैमेज नहीं। पानी की पूरी व्यवस्था है यहाँ संदीप, इन चीजों की वो नहीं है, कमी नहीं है चारे के लिए और पानी के लिए यहाँ लगभग। अब यहाँ पर कुछ सुकून की बात हमारे लिए ये है कि यहाँ पर चारा अच्छा है। आप देख लीजिए तूड़ी डाली हुई है, तूड़ी के अंदर कुछ डाला भी है या नहीं ये भी हम देख लेते हैं। बढ़िया मिलेगा, अगर गिली है तो दड़िया दड़िया। अभी जी जी महाराज जी तो कह रहे हैं कि इसके अंदर दड़िया है। हाँ, दड़िया। तो हम मान लेते हैं, चलो आगे बाकी चारा शाम को। शाम को हाँ, एक टाइम। हाँ, क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा था कि सूखी तूड़ी ना हो। हाँ जी। लेकिन महाराज जी करे, एक टाइम चारा के साथ हम जो है हरा चारा डालते हैं, हरा चारा डालते हैं और एक टाइम इनको जो है सिर्फ तूड़ी डालते हैं। तो ये सिर्फ सीधी तूड़ी खा लेती है जी? नहीं, सीधी तूड़ी में पानी मिला के आटा मार दो ऊपर खा ले। चोकर मारते हो आटा? आटा। अच्छा, वैसे देखो आटे का वहाँ बढ़िया हो। अच्छा, इसमें गोड़ी कटवाते हो तभी ठीक है ना? आप देख रहे हैं ये जो है जगह, ये गोबर गैस प्लांट के लिए। हाँ जी, गोबर गैस प्लांट के लिए लगाया। हाँ जी जी, जी। चार दीवारी भी अभी कर रहा है, ये भी अभी कर रहा है, मतलब अभी धीरे धीरे अभी होने लगे। ये तालाब जोड़ दिए पहले की ये जोड़ी। अच्छा, हाँ जी। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर कैसे क्या व्यवस्था है अनाज की देख लेते हैं। अनाज के लिए जो गायों गाँव से जो आता है, ये आटा पीसते हैं, इस चक्की में आटा पीसा जाता है, ये दलिया बना रहे हैं। यहाँ भी लगता है कुछ अनाज की कमी है, महाराज जी से पूछेंगे कि क्या बात है कि अनाज की कमी क्यों है। महाराज जी जानना चाहेंगे ये अनाज की कमी है यहाँ पे, लग रहा है कि खाली पड़ा है। अच्छा, सारा इसके अंदर डाला हुआ है टंकियों में जी जी बिल्कुल। तो हम यही पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाक्य में जो महाराज जी कह रहे हैं वाक्य में सारी सामग्री है, और काफ़ी हद तक ये बात सही भी निकली है कि यहाँ पर जो है महाराज जी ने जैसा बताया है वहाँ अनाज मिल भी रहा है। अभी बाकी हम जो है आगे चलते हैं, देखते हैं कि गाय वगैरह और किस प्रकार से कौन कौन से शेड में रह रही हैं। इसमें गोड़ी कटवाई है सुरेश, इसमें भी कटवा दिए सामने। अभी हम जो है धानसू गौशाला के उस मोड़ पर आ गए हैं जहाँ पर ये बाड़ा है, यहाँ पर कुछ महिलाएं सफाई कर रही हैं। ये बच्चा था जी, ये रात को वहाँ से उठा के लाए, तारों में कटा हुआ था। अच्छा, ये इसकी पूछ कटी हुई, तारों में कटने के कारण पूछ कट गई इसकी। हाँ जी 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 यार, मतलब चारा ये कोई बैठा है पशु कैसा है? अच्छा, ये बीमार वाले हैं? नहीं, दूध वाले हैं। दूध वाले अभी सफाई करवा रहे हैं तारों की। हाँ हाँ, सफाई करवा के धूप लग जाएगी फिर दोबारा तोड़ देंगे। ये गाय इशार वालियों में से देख लो जी जी, और ये भी शायद इशार वाली है। ये 10 किलो दूध है, ये 8 किलो दूध देती है। अच्छा, ये इशार वाली है। ठीक है, जो बच गई वो ठीक है, जो बैठ गई वो बैठ। ये वाली भी नहीं, ये ठीक है। ये कितना दूध देती है? ये नहीं जाएगी। अच्छा अच्छा, और ये वाली जी? हाँ, ये अभी जाएगी 2-4 दिन से। हाँ जी, ये भी इशार से ये नहीं ये पड़ी है। अच्छा अच्छा, ये कितना दूध देती है? ये अभी पहली बार में। अच्छा अच्छा, जी ये सफाई की जा रही है और सफाई करके जो है इसको अगले समय के लिए शाम के लिए तैयार किया जा रहा है बाड़े को, आप देख रहे हैं। अच्छा, इन चारों में कणक कणक जी जी, हाँ इसमें कणक है क्योंकि ये बज भी रहा है अच्छे से, इसमें भी कणक है, उसमें भी कणक है और उसमें भी आधा है, आधा मान लीजिए इसमें, तीनों में है। और जो महाराज जी ने कहा है काफ़ी हद तक सही भी पाई गई है बात कि हम यहाँ पर पूरा जो है कणक वगैरह अच्छी रूप से रख रहे हैं।
तो अभी जरूरत है उन संस्थाओं को आगे आने की और जो है सरकारी तंत्र को आगे आने की, ताकि जो है इन गौशाला को और साथ और सपोर्ट मिल सके। महाराज जी जानना चाहेंगे ये किस प्रकार का इंजेक्शन यहाँ मौजूद है? ये कोई दूध में जैसे लाली है, हाँ हाँ, और उसके लिए। अच्छा, जो दूध नहीं दे रही उसको इंजेक्शन भी लगा देते हो? इंजेक्शन। अच्छा महाराज जी, लेकिन ये दूध वाला इंजेक्शन तो कहीं ना कहीं बैन है जो आप लगा रहे हैं जी? सारी गायें को लगा है जी, जो मतलब इशार वाली नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है, जिसको आदत है और जो मतलब उसको जिसका दूध का प्रेशर हो जाता है और जो आदत है वो इंजेक्शन से दूध कड़वाती है। नहीं तो नहीं कड़वा जी जी। अब यहाँ शर्माओ क्यों है यार? ये देखिए, ये है, ये शेड लगा हुआ, ये देख लो बाड़े में, ये कमजोर नहीं है ना? हाँ जी, ये गाय कमजोर है। नहीं, ये ठीक है सेहत के हिसाब से, मतलब तकरीबन है, कोई कैसी है कोई कैसी है। जी जी, ये कितने, तीन थनी है दो थनी है? ये तीन है, तीन थनी गाय है ये, आप देख रही है काफी सेहतमंद लग रही है, इसका मतलब ये यहाँ पर ठीक है। कैसे उसमें मिल जाए कोई कैसे? जी जी, आप देख रही है यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, जो जो सवाल आपके मन में उठे उन सवालों का जवाब देने के लिए जो है हम यहाँ पर आपके लिए पहुँचे हैं। नहीं, वो दिखा के हो यार, तो महाराज जी ये धूप में जो गायें खड़ी है इसके बारे में आप ये अपने आप खड़ी है ये? अच्छा। इनकी मर्जी, शेड में जाओ इनकी मर्जी का ही रहो। अच्छा, वहाँ से वो शेड खुला हुआ है? खुला है। कई लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि ये आप लोग जैसे गायें आप देख रहे हैं धूप में खड़ी है, तो ये धूप में क्यों खड़ी है, कि क्या इनके लिए व्यवस्था नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि देखिए, इनके लिए सामने शेड है और वो खुला हुआ है, अगर कोई शेड के अंदर बैठना चाहे गायें तो शेड के अंदर बैठ सकती है, जिसका मन हो खुली हवा में बैठने का तो वो खुली हवा में यहाँ पे पेड़ों के नीचे भी बैठ सकती है जैसा आप देख रहे हो। तो अधिकतर गायें ऐसी हैं जो यहाँ पर बैठ रही हैं। ये पानी की है, पानी की खेड़ है जी, पानी की खेड़, जो पानी पीती है पशु, आप देख रहे पी भी रही है। अभी इस बारे में भी पूछेंगे, ये कुछ एक हमारे सामने पशु खड़े हैं जो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में पूछेंगे, भाई ये क्या कारण है, ये ऐसा कमज़ोर क्यों, हड्डियाँ कैसे निकली हुई इनकी, इसके तो जैसे थन भी नहीं है, ये दो तीन थन बगैर बहने वाले रोग है। हाँ जी हाँ जी, तो ये भी शहर से आई है क्या? हाँ, ये शहर की शहर से पकड़ी हुई जी, ये शहर से जो आ रही है और जो यहाँ पे रंज नहीं रही है वो कमजोर हो रही है, वो कमजोर है जी। आप देखो ये रेडी है। हाँ जी, आप इसको देखो, ये छोटा बच्चा देखो कितनी सुंदर है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक कह रहे हैं महाराज जी की, इसमें तकरीबन कोई कैसी है कोई कैसा है, मतलब ये कोई इशार से आई कोई कैसे, जिसमें बैल है लोगों ने छोड़ दिए सुनने, हमने अंदर कर लिए तो वो बच गए, नहीं तारा में कट देंगे। जी जी जी, जैसे कोई भी गौशाला बैल नहीं लेती, सिर्फ दानसो गौशाला बैल लेती है। अच्छा, ये लोग तारों में कटने के लिए छोड़ते हैं, हम हमारे पास छोड़ जाते हैं, हम उनको रख लेते हैं जी, लेकिन कोई तो भी कोई भी अगर गांव से या कोई भी भाई आकर के अपना जो बैल यहाँ छोड़े तो आप उसको रख लेंगे? हाँ, हम उसको रख लेते हैं, बाकी हरियाणा में कोई भी गौशाला है कोई गौशाला बैल नहीं लेती। जी जी, सिर्फ वो दूध वाली गाय और उनकी सेवा करती है, या कैसी भी गाय। अब ये गायें बीमार थी, तारों में कटी हुई थी, लेकिन अब ये गायें ठीक है, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये गायें साइड से कटी हुई थी, बिल्कुल कटी हुई, तो इसके तो कोई थन वगैरह भी लगता है नहीं है बिल्कुल ही, मतलब कुछ भी नहीं है जैसे। अब देखो, अब हम इसको नीर के गए थे 3 घंटे पहले, लेकिन पशु चर लिए, अब 3 बजे फिर नीरेंगे इनको, ठाणों को फिर भर देंगे। ठीक है, अब ये ठाण खाली है तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर हम नीर के गए थे और अभी ये ठाण खाली होगी है और 3 बजे फिर नीर देंगे। देखो, पशुओं को दो ही टाइम नीरते, घर में भी और यहाँ भी, बिल्कुल दोनों टाइम नीरते हैं। ठीक बात है, घर में भी कोई दूध वाली पशु नीरेगा तो दो ही टाइम नीरेगा, दो ही टाइम हम नीरते हैं। जी जी, पानी के लिए, दवाई के लिए कोई चीज की कमी नहीं है जी, प्रशासन मदद करेगा हमारी और ज्यादा कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये देखो, शेड खाली उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ बैठी इनकी मर्जी है, बाहर हवा लगे यहाँ बाहर बैठी रहो। बिल्कुल, ये पेड़ के नीचे बैठी है काफी सारी, आप देख रहे हैं, और इनमें काफी हष्टपुष्ट भी हैं कुछ गायें, और कुछ एक जो कमजोर हैं, वो कमजोरी का कारण महाराज जी जो बता रहे हैं वो ये है कि ये जो रंज नहीं रही है, खा नहीं रही है, चर नहीं रही है, जो पहले थी इशार वाली जो बाजार में घूमने वाली थी वो, हाँ वो रंज नहीं रही है, वो चर नहीं रही है,
और उसी कारण से वो कमजोर है। तो महाराज जी इसका क्या फिर उपाय आपने सोचा कि ये जो रंजनी रीन को कैसे फिर धीरे धीरे चारा खा के हरा चारा, जैसे अब कड़वी शुरू होगी फिर ईख शुरू हो जाएगा, ये हो जाएंगी धीरे 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 सेट हो जाती है समय के हिसाब से। जी समय के हिसाब से धीरे धीरे सेट हो जाएगी, महाराज जी का यही कहना है। तो दर्शकों अभी आपने देखा हमने आपको पूरी गायें पूरी गौशाला का मुआयना करवाया और एक एक चीज़ जो दिखाई है, अभी जो है आपके मन में जो सवाल उठ रहे हो वो चैनल के माध्यम से और आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे और जो है आपकी हर समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और जो अभी नया सेट आप देख रहे हैं सामने, ये बना है गायों के लिए, अभी महाराज जी ने बनवाया और आगे और कह रहे एक और आगे सेट बनाने की व्यवस्था सोच रहे हैं। हाँ जी जी जी। अब संदीप जी देखो प्रशासन का सहयोग नहीं हो, गांव वाले कितनी मदद कर सकते तूड़ी की और कणक की। जी जी। वो गायें खा जाएंगी और तूड़ी और कणक गायें ने खिला दे, फिर आगे की व्यवस्था भी तो प्रशासन को हमारा साथ देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जो वहाँ पर प्रशासन कह रहा है कि हमें साथ और सहयोग करेंगे, आप वादा किया था कि हम आपका साथ सहयोग करेंगे, आप जो है हमारी गायें ले शहर की, और महाराज जी ने और इस गौशाला ने पूरा साथ और सहयोग भी दिया इस काम में। महाराज जी ये जानना चाहेंगे जो लोग यहाँ से लेकर के गए हैं गायें, वो कितनी ले गए हुए यहाँ से लगभग अपने जो पशुपालक हैं गायें लेके गए? इतनी नहीं, 40-50 गायें शुरू शुरू में लेके गए, बाद में छोड़नी बंद कर दिया। जी जी, तो आपको कितने रुपये की पर्ची उस समय आपने काटी? 5100 की पर्ची। हाँ जी, वो सारा गौचारा में गया? हाँ गौचारा में, गौ एक के किले लिए हो 3 लाख रुपए के वो गौचारे में गया। अच्छा, जैसे ये बोंडरी निकलवा दी, नई होदी बनवा दी, अब नई बोंडरी की तैयारी है, भाई बैल अलग हो, इतने पड़ी है बैल अलग हो जाएंगी और गाय अलग हो जाएंगी, तो इसके लिए काम। अच्छा, जो बोंडरी बनवाई है जो एक किला लिया उसमें जो है इस्तेमाल किया उसमें जो है। जी जी बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं दर्शकों कहीं ना कहीं महाराज जी पूरा साथ और सहयोग दे भी रहे हैं और पंचायतें भी साथ सहयोग दे रही हैं, ज़रूरत है साथ और सहयोग की उन संस्थाओं की और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनकी, कि वो सभी आगे बढ़ करके पूरा साथ और सहयोग दें ताकि जो है इस गौशाला को और आगे बढ़ाया जा सके और सुचारू रूप से इसमें काम किया जा सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है आगे हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे सभी तक पहुंचे और जो समस्या है उसको जो है हम उठाने का काम करेंगे आपके लिए। और आपके भी मन में कोई भी शहर की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, वो आप हमारे से शेयर करें ताकि हम उस समस्या को आपके लिए उठा सकें और जो है आगे उसको बढ़ा सकें। तो मैं संदीप सिंह पखाड़ा, SV न्यूज़ इंडिया सच्चा वाक्या से, और आप सभी से अनुरोध कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ये चूड़ी चढ़ाने का पंखा, ये हरा चारा काटने की मशीन जी, ये पशु गिर जाए तो उसको उठाने का, ये बीमार पशु को बाहर से कटे पटे पशु को लेके आने का, ये ज्वार काटने की रिपर, मतलब दो दो मशीन, पशु उठाने की, चारा काटने की, ये पंखा तूड़ी वाला, ये कटी बड़ी को उठा के लाने का बाद। ये जो दवाई वगैरह लगाते हो आप वो कहाँ होता है आपका दवाई वाला? हाँ इसमें भी और आगे भी है, भी और वहाँ। अच्छा, तो हम जो है अभी दवाई वाला भी देख लेते हैं कितनी दवाई वगैरह है इनके पास। ये मौके पर अभी दवाई ये कटे पटे को ये के लिए जी है फुहारा, ये जो उसको जो जिसको चोट लग जाती है, इंजेक्शन है सभी एंटीबायोटिक और कोई दवाई है सभी इंजेक्शन है। तो इसमें जो एक्सपायरी हो जाती है उसको आप? एक्सपायरी कोई नहीं रखते हैं। अच्छा, समय से देख करके निकाल देते हैं? हाँ बिल्कुल, ताजी दवाई मंगाते हैं जिसकी भी जरूरत होती है। बाकी एंटीबायोटिक या कोई और चीज चाहिए तो वो अपने पास है, बाकी जरूरत होती है तुरंत मंगा लेते हैं उसको। जी जी। तो यहाँ पर जो VLD डॉक्टर आके वो ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ जी, VLD करते हैं, सर्जन भी आते हैं, अगर हम बुलाते हैं तो सर्जन भी आते हैं। जी जी, बड़े डॉक्टर साहब मेहता, बहुत अच्छे डॉक्टर है। जी जी, तो धन्यवाद जी आपका सहयोग। चाय या ठंडा?